ऐसे जिए जैसे आपको कल मरना है और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बच्चा हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। उनके माता पिता कट्टर हिंदू थे। इनके पिता का नाम कर्मचंद गांधी था। माता का नाम पुतली बाई था, जो कर्मचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। उनके पिता गुजरात राज्य में एक छोटी सी रियासत की राजधानी पोरबंदर के दीवान थे। गांधी जी केवल 13 वर्ष के थे और स्कूल में पढ़ते थे। तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा बाई से उनका विवाह कर दिया गया। वरवधु की अवस्था लगभग समान थी। गांधी जी 18 वर्ष की आयु में ही एक पुत्र के पिता हो गए थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे। वे किशोर अवस्था के विद्रोही दौर से भी गुजरे, जिसमें गुप्त नास्तिकवाद, छोटी मोटी चोरियां, छिपकर धूम्रपान और वैष्णव परिवार में जन्मे किसी लड़के के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मांस खाना शामिल था। 1887 में गांधी जी ने जैसे तैसे बंबई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की परीक्षा पास की और भावनगर स्थित सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन वैष्णव परिवार में चीर फाड़ के खिलाफ पूर्वग्रह के अलावा ये भी स्पष्ट था कि यदि उन्हें गुजरात के किसी राजघराने में उच्च पद प्राप्त करने की पारिवारिक परंपरा निभानी है तो उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ेगा। इसका अर्थ था इंग्लैंड यात्रा। और गांधी ने सितंबर 1888 में वे पानी के जहाज पर सवार हुए। वहां पहुंचने के 10 दिन बाद वे लंदन के 4 कानून महाविद्यालय में से एक इनर टेंपल में दाखिला लिया। राजकोट के ग्रामीण माहौल से लंदन के महानगरीय जीवन में परिवर्तन उनके लिए आसान नहीं था। जब वो पश्चिमी खान पान, तहजीब और पहनावे को अपनाने के लिए जूझते, उन्हें अटपटा लगता। उनका शाकाहारी होना उनके लिए लगातार शर्मिंदगी का कारण बन जाता। यहाँ 3 वर्षों तक रहकर उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। जुलाई 1891 में जब गांधी भारत लौटे, तब उनकी माता का देहांत हो चुका था और उन्हें ये जानकर बहुत निराशा हुई कि बैरिस्टर की डिग्री से अच्छे पेशेवर जीवन की गारंटी नहीं मिल सकती। वकालत के पेशे में पहले ही काफी भीड़ हो चुकी थी। उनमें अपनी जगह बनाने के मामले में बहुत संकोची थे। बंबई न्यायालय में पहली ही बहस में वो नाकाम रहे, इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नडाल स्थित एक भारतीय कंपनी में से 1 साल के अनुबंध को स्वीकार कर ली। डरबन न्यायालय में यूरोपियन मजिस्ट्रेट ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा। उन्होंने इनकार कर दिया और न्यायालय से बाहर चले गए। कुछ दिनों के बाद प्रिटोरिया जाते समय उन्हें रेलवे के प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया और उन्होंने स्टेशन पर ठिठुरते हुए रात बिताई। यात्रा के अगले चरण में उन्हें एक घोड़ा गाड़ी के चालक से पिटना पड़ा, क्योंकि यूरोपीय यात्री को जगह देकर पायदान पर यात्रा करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। और जब उन्हें अनुपेक्षित अपमानों से गुजरना पड़ा तो उनमें कुछ बदलाव आया। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय जनता के पंजीकरण के लिए विशेष रूप से अपमानजनक अध्यादेश जारी किया। भारतीयों ने सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में गांधी के नेतृत्व में एक विरोध जनसभा आयोजन किया और इस अध्यादेश के उल्लंघन तथा इसके परिणाम स्वरूप दंड भुगतने की शपथ ली। इस प्रकार सत्याग्रह का जन्म हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को स्वदेश में कदम रखा। जब गांधी जी भारत आए तो उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया कि आप देश में जगह जगह भ्रमण कर देश की स्थिति का अवलोकन करें। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव पर गांधी जी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए बांग्ला के मशहूर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन पहुंचे। वहीं पर टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था और गांधी जी ने टैगोर को गुरु कहा था। गांधी जी हमेशा 3rd क्लास में यात्रा करते थे ताकि देश की वास्तविक स्थिति से अवगत हो सके। गांधी जी ने पहली बार देश में सन 1917 में बिहार के चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन किया था। असहयोग आंदोलन नामक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था।
उसके बाद उन्होंने सत्य और हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या सन 1942 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा, आजादी की लड़ाई में गांधी जी का योगदान धीरे धीरे शिखर को चूमने लगा। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। अंतः 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के पटल पर उदय हुआ। भारतीय स्वतंत्रता में गांधी जी का योगदान अद्वितीय है। आज भी हर भारतीय के जनमानस में गांधी जी का आजादी के लिए संघर्ष की दास्ता विद्यमान है। महात्मा गांधी संपूर्ण विश्व पटल पर सिर्फ एक नाम ही नहीं अपितु शांति और अहिंसा का एक प्रमुख प्रतीक है। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा की अवधारणा फलित थी, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता। तभी तो प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि 1000 साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हार्ड मास से बना ऐसा कोई इंसान पृथ्वी पर कभी आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की।